अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन है, 5x² - 6x - 2 = 0 द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, पूरा एक्स स्क्वायर में जिससे भी मल्टीप्लाई किया जाता है उसको हम क्या करते हैं, फ्री करते हैं। यानी यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ, देखिए 5 से, तो हम पूरा इक्वेशन में 5 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरा इक्वेशन में जब 5 से भाग कीजिएगा दोनों तरफ तो क्या होगा, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x/5 - 2/5 और 0 में 5 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा, 0/5। देखिए जब 5 से भाग करेंगे यहाँ पर तो 5 और 5 क्या होगा, कैंसिल होगा, यानी एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर फ्री हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन है, देखिएगा यहाँ पर किसका साइन है, माइनस का, तो हम इस फार्मूला पर सेट करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab + b² इस फार्मूला को सेट करेंगे, कब, जब यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, इस फार्मूला को सेट कीजिए, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, एक जगह पर एक्स है, ए स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर बोलते हैं तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिए, उसको देखिए माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस ले लिए, टू फार्मूला बोलता है टू ले लीजिए, टू ले लिए, एक जगह पर क्या है एक्स है, देखिए यहाँ पर एक जगह पर एक्स है, यहाँ पर एक्स रख दीजिए, मल्टीप्लाई की चिन्ह है क्योंकि देखिए यहाँ पर किसी भी चीज़ का साइन है तो यहाँ पर टू और ए के बीच में मल्टीप्लाई की चिन्ह है और ए और बी के बीच में भी मल्टीप्लाई की चिन्ह है, एक्स ले लिए। उसके बाद देखिए बी के मान क्या रखेंगे, देखिए 6x/5 को ऐसा सेट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पर 3 × 2 लिख सकते हैं इसको 6 को, तो देखिए 2 यहाँ पर लिख दिए हैं और इसको 3 लिख दीजिए, 3/5 बी का रूप सेट हो गया, देखिए 3/5 क्योंकि फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 3 × 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना है 6 और x, यानी कि 6x/5 आ जाएगा। ठीक है, बी का सेट हो गया, अब क्या कीजिए प्लस का साइन लगाइए, बी का स्क्वायर कीजिए, यानी कि 3/5 का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब 3/5 का स्क्वायर जो हुआ है उसको एक बार घटा लेंगे, एक बार क्या करेंगे घटा लेंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि इक्वेशन पर कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर घटा लिए, फिर कैंसिल होगा, फिर उतना ही रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है -2/5, तो -2/5 = 0 में 5 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 0। ठीक है, सेट हो गया। अब यहाँ से देखिए इतना सेट हो रहा है किस फार्मूला पर, a - b के होल स्क्वायर पर, यानी कि x और 3/5 का x - 3/5 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए x² - 2x + 3/5 + b का जब क्या है 3/5, तो यहाँ पर रख दीजिए x - 3/5 का क्या हुआ होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर सेट हो गया, मतलब इतना के बदले कितना लिख दिए x - 3/5 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखिए इतना बच रहा है इसको बराबर को उधर भेज दीजिए, तो इधर भेजिएगा तो यहाँ पर माइनस में है, जब इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 3/5 का होल स्क्वायर प्लस में, और 2 - 2/5 है इसको भी इधर भेजिए तो +2/5। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो होगा देखिए x - 3/5, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 +2/5। अब देखिए फिर इसका हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, 25 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो 25 होगा और यहाँ पर 9 और 5 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 5 का भाग लिख कीजिएगा तो कितना मर्द में होगा 5 मर्द में, तो यहाँ पर कितना होगा 2 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 10। अब इसको जोड़ ही लेते हैं, यहाँ पर 9 + 10 जुड़िएगा तो कितना 19/25। अब देखिए क्या होगा x - 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 19/25। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेरा वीडियो बड़ा होता है हो जाता है इसलिए कि समय पूरा अच्छा समझाता हूँ। ठीक है,
अब देखिए x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 5/25। अब इसको स्क्वायर में है, इधर जाकर क्या करेगा, रूट चढ़ाएगा, तो रूट प्लस और माइनस के साथ चढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 19/25, दोनों पर रूट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 3/5 प्लस माइनस रूट 19 रहेगा यहाँ पर ऊपर में, और 25 का तो वर्गमूल निकल जाता है, तो कितना निकलेगा, 5, ठीक है। अब हम देखिए, अब कुछ नहीं करना है, एक बार इसको इधर ला लीजिए, इसको इधर ला के तो कैसे होगा, देखिए प्लस में होगा 3/5, माइनस में है तो प्लस माइनस रूट 19/5। अब क्या कीजिए, एक बार देखिए प्लस माइनस का मतलब हुआ कि एक बार एक्स का मान प्लस में लिख दिए और एक बार एक्स का मान माइनस में, तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्स बराबर 3/5 प्लस रूट 19/5। इसका कैलकुलेशन कर देते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम 5 लीजिएगा तो 5 होगा, और 3 प्लस रूट 19 एक्स बराबर एक मान एक्स बराबर इस कितना आ गया है। अब एक बार क्या करते हैं, माइनस में लिख दीजिए यहाँ पर 3/5 माइनस रूट 19/5, जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 5 होगा, 3 माइनस रूट 19, यानी कि एक और मान निकला कितना, 3 माइनस रूट 19/5, यही आंसर। एक्स का मान दो मान आया है, एक्स बराबर 3 रूट 19/5 और एक्स बराबर 3 माइनस रूट 19/5। धन्यवाद, आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।